हिमालय नाम के एक जंगल में सब पक्षी अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आने वाला था, लेकिन सब पक्षियों को दाना पानी मिल रहा था, इसीलिए कोई भी पक्षी बरसात के मौसम पर ध्यान ही नहीं देता। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी जानती थी कि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला और उन्हें दाना पानी नहीं मिलने वाला। टुनटुनी यही सोच लेकर टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, आपको तो पता ही है कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, क्यों ना हम पास वाले जंगल से जाकर चावल ले आए। मैं कल पहाड़ों की तरफ गई थी, मैंने देखा कि नदी के पास अभी चावल उगे हुए हैं। आप मेरी बात मानो तो हम सब पक्षी जाकर अपने घोंसलों में चावल जमा कर लेते हैं। अरे टुनटुनी बहन, बरसात के दिनों में हमें दाना पानी की कोई भी चिंता नहीं होगी। अब मौसम बदल गए हैं, अब बरसात ज्यादा दिन नहीं होती और एक दो दिन बाद बरसात खुद ब खुद रुक जाएगी। और नदी तो बहुत दूर है, मैं इतना दूर तक नहीं उड़ सकती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ आपको सावधान करने आई थी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधा कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे टुनटुनी, तुम तो हर वक्त परेशान ही रहती हो। कौवे भैया, हमने बरसात के लिए कुछ भी जमा नहीं किया। मैं कहती हूँ कि पहाड़ों के पास जो नदी है उसके पास बहुत सारे चावल उगे हुए हैं। हम सब जाकर उन चावलों को जमा कर लेते हैं। मुझसे उम्मीद लगा रही हो कि मैं इतनी दूर पहाड़ों तक उड़कर जाऊंगा? अगर तुम्हें जरूरत है तो जाओ, चावल ले आओ, साथ मेरे लिए लेती आना। अपनी चिंता करो टुनटुनी बहन, हमें नई नई योजनाएं मत बताओ। और फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होती हुई वहाँ से चली जाती है। पता नहीं इन पक्षियों को बरसात की कोई भी चिंता क्यों नहीं है। अगर बरसात ज्यादा दिन तक होती रही तब ये पक्षी क्या खाएंगे। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है। मम्मा चलो, मैं आपके साथ चावल लेने जाया करूंगी। मम्मा मैं काम करवाऊंगी आपके साथ। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। बेटा, हम कल ही चावल लेने निकल जाएंगे। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चावल लेने चले जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत से चावल है। हाँ बेटी, हमें अभी सारे चावल इकट्ठे करने होंगे। अगर बरसात शुरू हो गई तो ये सारे के सारे चावल खराब हो जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चावल इकट्ठे करने लगते हैं। मम्मा, आप ये चावल घर छोड़ कर आओ, मैं आपके आने पर और चावल इकट्ठा करती हूँ। हाँ बेटा, मैं अभी जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में चावल की गठरी लेकर घर जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के आने तक उसकी बेटी चावल इकट्ठे करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को चावल ले जाता देख कालू कौवा कहता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? बरसात अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम्हें पहले ही चिंता होने लग गई। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बात पर कोई भी ध्यान न देते हुए आगे गुजर जाती है। वापस आते हुए टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है। कालू भैया, अगर तुम्हें चावल इकट्ठे करने हैं तो अभी आ जाओ। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर मुझे मत कहना। जाओ जाओ, तुम ही करो अपनी बरसात की तैयारियां, मुझे जरूरत नहीं है। और फिर टुनटुनी चिड़िया वापस चली जाती है। माँ देखो, मैंने कितना सारा चावल इकट्ठा कर लिया, अब हम दोनों इस चावल को लेकर वापस घर चले जाते हैं। फिर वो माँ बेटी सारा चावल लेकर घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। एक दिन अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिन निकलते ही रात हो गई हो। और फिर वो माँ बेटी सारा चावल लेकर घर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बेटी कहती है। माँ, बारिश कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ मेरी जान, अब मुझे कोई फिक्र नहीं बरसात की। देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। दोनों बातें करते करते बारिश का मजा लेने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही कालू कौवे की पत्नी उससे कहती है। कालू, सबसे ज्यादा निकम्मे हो तुम। जंगल में बारिश शुरू हो भी गई है और हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ, जब भी देखो पेट की ही चिंता लगी रहती है। सुबह ही तो तुमने मकई के दाने खाए थे। ऐसे मौसम में तो मैं किसी के घोंसले में भी नहीं जा सकता। सब पक्षी अपने अपने घरों में हैं।
सारी रात बारिश होने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। वही टूनी चिड़िया कहती है, बहुत भूख लगी हुई है। अगर मैंने टुनटुनी की बात मानी होती तो आज मैं भी बरसात में भूखी ना बैठी होती। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, चलो अब किसी पक्षी से ही मांग कर लाना होगा। ऐसा सोचते हुए टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। आओ चिड़िया बहन, कुछ खाने को देने आई हो तो प्लीज जल्दी से दे दो। नहीं नहीं कौवे भैया, मैं तो दाना लेने आई हूँ, मुझे तो कहीं से भी कोई दाना नहीं मिल रहा और बहुत भूख लगी हुई है। अरे टूनी, हमारे यहाँ खुद जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें यहाँ दाना मांगने की फिक्र है। कालू भैया ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम दोनों पहाड़ों के पीछे से चावल ले आते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जब वो दोनों नदी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चावल तो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। हमें टुनटुनी की बात मान लेनी चाहिए थी, अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कालू भैया क्यों ना हम एक बार फिर से जाकर टुनटुनी बहन से कुछ दाना मांग लें। अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा, पहले मैंने ही उसका मजाक उड़ाया था। टुनटुनी बहन बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तो चलो, अब टुनटुनी ही हमारी आखिरी उम्मीद है, वरना हम तो इस बरसात में भूख से ही मर जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। टुनटुनी के घर पहुंचकर कालू कहता है, टुनटुनी हमें माफ कर दो और प्लीज हमारी मदद करो, घर में सुंदरी तो भूख की वजह से मर रही है। टुनटुनी बहन हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी और अब हमारे पास घर में खाने के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं है। कालू भैया, चिड़िया बहन, आप लोग दाना ले जाओ, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे समय पर हमें कभी भी बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। हाँ टुनटुनी, हम हमेशा याद रखेंगे और हम अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हैं। शुक्रिया टुनटुनी बहन हमारी मदद करने के लिए। और फिर कालू कौवा और टुनी चिड़िया उड़ जाती है। कुछ ही दिनों में बरसात रुक जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया सब पक्षियों की मदद करती रहती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो देखो बच्चों, अच्छे समय पर हमें कभी भी बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नई कहानियों नई सीख के साथ। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी, एक का नाम था रानी चिड़िया और दूसरी का नाम था टीना चिड़िया। वो दोनों बहनें थी। टीना चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वही रानी चिड़िया ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी चिड़िया, तुम कितनी बदसूरत हो और मुझे देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तुम तो काली कलूटी हो। कोई नहीं टीना चिड़िया, इसमें मेरी क्या गलती अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो। तभी उनकी माँ शीला चिड़िया आ जाती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आएंगे। माँ मैं रानी चिड़िया से बड़ी हूँ, फिर भी चलो कोई नहीं, आपको रानी चिड़िया की फिक्र होगी, कौन करेगा इस काली से शादी। टीना चिड़िया ऐसा नहीं बोलते हैं, रानी चिड़िया तुम्हारी बहन है। अगले दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए राजू चिड़ैया और उसका दोस्त कौवा आता है। आइए बैठिए रानी चिड़िया, जल्दी आओ, देखो मेहमान आ गए हैं। रानी चिड़िया वहाँ पर आती है, राजू चिड़ैया उसे देखकर बोलता है, शीला चिड़िया मैं नहीं करूँगा इस काली चिड़िया से शादी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। हाँ शीला चिड़िया, मेरा दोस्त किसी से कम थोड़ी है, इसे बहुत अच्छी चिड़िया मिल जाएगी। आपकी बड़ी बेटी टीना चिड़िया कहाँ है, वो बहुत खूबसूरत है, आप उसकी शादी राजू से करवा दीजिए। माँ कोई नहीं, अगर इन्हें टीना से शादी करनी है तो आप करवा दीजिए। अगले दिन टीना चिड़िया और राजू की शादी हो जाती है। अब टीना चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, अब देख मेरी तो शादी हो गई है, तू अपनी फिक्र कर रानी चिड़िया, तेरा क्या होगा। तभी राजू चिड़ैया आता है। टीना चिड़िया कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। तुम हर पल मुझ पर नजर रखे क्यों बैठे रहते हो, जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ।
मुझे भूख लग रही है। अब बेचारा राजू चुड़ैया दाने की तलाश में निकल गया। उसका दोस्त कौआ बोला, और भाई क्या हाल है शादी के बाद तुम्हारे? यार मैं बहुत परेशान हूँ, लगता है मैंने टीना चुड़िया से गलत शादी कर ली। वो खूबसूरती के आगे मुझे कुछ नहीं समझती है, इससे अच्छा तो मैं रानी चुड़िया से शादी करता। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब टीना चुड़िया अपने पति पर बहुत अत्याचार करती थी, अब वो उसे तंग आ जाता है। टीना चुड़िया निकलो मेरे घर से, तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया। तुमसे अच्छी तुम्हारी बहन रानी चिड़िया है, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, मुझे समझ आ गया है। अब बेचारी टीना चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो रानी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। रानी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया। अब रानी चिड़िया टीना चिड़िया को माफ कर देती है, वो सब एक साथ खुश रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है रानी चिड़िया की माँ का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।